चीफ जस्टिस का वन मैन शो जमहूरी असूलों के खिलाफ है। वन मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो का लुत्फ उठाने का सिलसिला खत्म किया जाए। इलेक्शन अस खुद नोटिस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तलाफी नोट से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। दो जजेस ने फैसला दिया कि स्पेशल बेंच आईनी मामलात पर बेंच की तश्कील के बारे में फुल कोर्ट के जरिए पॉलिसी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स के फैसलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाई कोर्ट जेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज में फैसला करे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पानामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 2-3 का था। इलेक्शन अस खुद नोटिस केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4-3 का फैसला है। अस खुद नोटिस की कार्रवाई खत्म की जाती है। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फैसलों पर इन्हेसार नहीं कर सकती। एक शख्स की पॉलिसियों पर अमल दरामद अवाम के हकूक मुफाद के बरखिलाफ हो सकता है। एक शख्स के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत से इदारे की खुद मुख्तारी गैर महफूज हो सकती है। वक्त आ गया है कि 184(3) के इख्तियार समात को रेगुलेट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने के लिए वक्त आ गया है। हम इख्तियारात पर नजरसानी करें। क्या जजेस के फैसले के बाद अदलिया में तकसीम होगी? दोनों बेंचेस के मुख्तलिफ फैसलों के बाद किसके फैसले पर अमल दरामद होगा? 3-2 के फैसले को माना जाए या फिर 3-4 से? नए आईनी बहरान ने जन्म ले लिया।